बीजेपी के गढ़ वाली सीट है। निश्चित रूप से हमारे यहाँ, मैं आपको अभी जो पहले भी मैंने हेमंत जी बोला जी। कि राजस्थान के अंदर सात या आठ सीटें ऐसी थी जिनको हम एक शब्द में ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, यानी कि बिना दिमाग पे ज्यादा प्रेशर दिए हुए हम कह सकते हैं। तो उनमें से जयपुर शहर एक सीट है और ये आप इसको गढ़ कहें, मैं इसको भारतीय जनता पार्टी का दुर्ग कहूंगा। और यहां से जिस तरीके से अगर आप मेवाड़ की तरफ चलेंगे तो मेवाड़ की तरफ भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती हुई जाती है, लेकिन जिस तरीके से थार की तरफ अगर आप आते हैं जिसके अंदर शेखावाटी भी है, जिसके अंदर हरियाणा सीमांत क्षेत्र भी है, जिसके अंदर जो बाड़मेर नागौर और बीकानेर ये सारा जो क्षेत्र, ये पूरा यकीन है कि हमारी पार्टी आएगी और हम लोग जरूर सरकार हम बनाएंगे। और मेरा भी मथुरा से बहुत अच्छा लीड हो रहा है अभी, इस वक्त तो काफी अच्छा चल रहा है एंड अभी आगे देखेंगे, एक बजे तक बहुत सब कुछ सब क्लियर हो जाएगा। तो मथुरा से भी इसके बाद डेफिनेटली मोदी सरकार तो बनेगी बनेगी, बहुत जरूरी भी है इस वक्त देश के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरा भी यहाँ पर रहना बहुत जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत कुछ करना चाह रही हूँ ब्रजवासियों के लिए, ब्रज के लिए, हमारे मथुरा वृंदावन के लिए, और बहुत कुछ सोच के रखा है। वो सारा काम मैं जरूर करके जाऊंगी इस बात पर। अभी बहुत कुछ तोहफा प्लान करके रखा है, सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा एंड बहुत बहुत ज्यादा खुश होंगे लोग यहाँ इस बात पर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हेमा मालिनी का रिएक्शन आप सुन रहे थे, मथुरा से आगे चल रही हैं, खुशी भी है इस बात को लेकर के और कॉन्फिडेंट भी नजर आ रही थी। बिल्कुल उम्मीद चुनाव है उनका ये बता से, आखिरकार एनडीए की सरकार फिर से बनेगी। फिलहाल हमारे साथ पोद्दार साहब एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं। एक बात और उन्होंने कही है हेमा मालिनी ने अपने प्रतिक्रिया के दौरान, पोद्दार साहब, कि अभी एक बजे तक हम इंतजार कर लें और एक बजे में तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। लेकिन क्या उससे पहले की जो तस्वीर आ रही है वो आधी अधूरी आप कहेंगे या फिर एक रिफ्लेक्शन कहेंगे कि आगे जो है वो जैसे जैसे रुझान आएंगे इन्हीं आधार पर आगे बढ़ेंगे? इस बात से सहमत हूं क्योंकि जो शुरुआती चरण के अंदर जो आपकी लीड बनती है वो कहीं ना कहीं आपको एक एडवांटेज देती है, और उसके बाद में जो टैली है अभी मेरे हिसाब से इसके अंदर काफ़ी परिवर्तन होने की संभावना है। वो काफ़ी का मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उलट पुलट हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर 10-20-25% का ऊपर नीचे होने की संभावना है। मैं बार बार आपको एक ही बात कह रहा हूँ, दोबारा से आपको रिपीट कर रहा हूँ कि इस बार जो लोकसभा चुनाव है वो अपने आप में अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि इस बार 100 से ज्यादा सीटें, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, 100 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां पे नेक टू नेक फाइट है, जहां पे चुनाव जो है वो स्थानीय स्तर पे लड़ा गया है, ना कि केंद्रीय स्तर के ऊपर। और उन सीटों के ऊपर आप ये समझ लीजिए चुनाव परिणाम जो भी जीतेगा हारेगा वो 10-20-25,000-30,000 आगे चाहे कुछ भी हो। पोद्दार साहब, अभी शेखावाटी में और राजस्थान में तो दोनों तरफ मौर्य बोलता हुआ दिखाई दे रहे हैं। निश्चित रूप से आप इसको मौर्या भी बोल सकते हो, इसमें आप ये भी कह सकते हो कि जो मायरा भरने वाली बात थी वो मायरा भी कहीं ना कहीं कम हो गया, इस मायरे के अंदर भी वो संतुष्टि नहीं हुई। निश्चित रूप से हेमंत जी आप देखिए यहाँ पे राजस्थान के साथ साथ अलग अलग राज्यों का भी विश्लेषण कर लेते हैं। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ गया है, राखी राठौर बीजेपी की तरफ से जुड़ गई हैं, अरुण शर्मा कांग्रेस की तरफ से जुड़ गए हैं, आशुतोष रावत वरिष्ठ पत्रकार हमारे से जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आशुतोष रावत जी, देखिए लगातार जो है टैली बड़ी दिलचस्प तरीके से बदल रही, राजस्थान में तो मुकाबला सबसे दिलचस्प ही बना हुआ है, कड़ा मुकाबला बना हुआ है। मुझे लगता है कांग्रेस ने भी नहीं सोचा कि इतनी कड़ी फाइट वो देंगे, क्योंकि यहाँ पर पत्ते वो कभी नहीं खोल रहे थे कि इतनी सीटें जीतेंगे, बेहतर करेंगे ये कह रहे थे। लेकिन अब यही जो बयान है वो बीजेपी की तरफ से निकल कर आ रहा है। सीपी जोशी को हमने सुनवाया, वो कहे थे कि बेहतर होगा नतीजे, वो अब सीट नहीं बोल रहे हैं जो 25 क्लीन स्वीप की बात कर रहे थे। रावत जी, नहीं मनोराज जी, देखिए राजस्थान में मुकाबला बहुत कांटे का था, यह हमने एग्जिट पोल के समय पर भी देखा था और मैंने उस समय भी कहा था कि हमको अंतिम जो राउंड की काउंटिंग है उस तक का वेट करना पड़ेगा तस्वीर साफ होने के लिए, क्योंकि यहां अभी भी कई सीटें ऐसी हैं जिन पर हार जीत का आगे पीछे का मार्जिन 3,000 और उसके आसपास वोटों का है। कुछ सीटों पर बड़ी बढ़त भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाई है और कुछ जगह बड़ी बढ़त कांग्रेस ने बढ़ाई है, लेकिन कुछ सीटों पर मुकाबला अभी भी बहुत फाइट का है, इसलिए बहुत कांटे की
मुकाबला हमको इस बार राजस्थान में देखने के लिए मिल रहा था, या शुरू से लग रहा था कि एक वेव की तरह एक वोटर को भारतीय जनता पार्टी के फेवर में नहीं जा रहा था, यह हमको दिख रहा था, लेकिन क्या यह वाकई इतना बड़ा चेंज आने वाला है इसकी कल्पना नहीं थी। कुछ सीटों पर कांग्रेस के जीतने की उम्मीद हमने एग्जिट पोल में भी दिखाई थी, बार बार मैं इस चीज को दोहरा रहा हूं कि वहां पर भी हमने कांग्रेस को कुछ सीटों पर आगे दिखाया था, कुछ सीटों पर वाकई फाइट में थी, लेकिन क्या कांग्रेस के प्रवक्ता जिस तरह का दावा कर रहे थे कि वो राजस्थान में 13 सीटें जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर लाएंगे, क्या कमोबेश वही स्थिति बनेगी? इसके लिए मुझे लगता है कि अभी 1-1.5 बजे तक का इंतजार और करना चाहिए, लेकिन निश्चित तौर पर यह परिणाम चौंकाने वाले हैं। राजस्थान की जनता ने शायद जो कांग्रेस का विजन था पहले दो फेज में, जहां जहां देश भर में मतदान हुए उन पहले दो फेज के मतदान पर एक जो नैरेटिव सेट करना चाहा था कांग्रेस ने, मुझे लगता है कि इस नैरेटिव का रिफ्लेक्शन हमको ये टैली के तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन राहुल साहब अभी का जो रुझान है जयपुर में खासतौर पर, देखिए 1 लाख का जो अभी आंकड़ा सामने आ रहा है, तो आपको लगता है कि वो बदलेगा? जी देखिए हेमंत जी, देखिए अब कितना बदलेगा ये तो अभी, क्योंकि अभी कुछ सीटों पर अगर आप हार जीत का मार्जिन देखें तो वो बहुत कम है, 2-3 हजार वोटों का मार्जिन है, कहीं 2 राउंड कहीं 4 राउंड की काउंटिंग अभी हुई है, 20 से 22 राउंड की काउंटिंग होनी है, तो निश्चित तौर पर ये फिगर बदल भी सकती है। फिगर बदल सकता है, लेकिन बाकी राठौर जी राजस्थान में तो फाइट मिल रही है, यूपी में भी हाल ऐसा ही है, क्या कहेंगी? सत्ता का रास्ता तो यूपी से निकलता है, लेकिन वहां पर तो आपने 62 सीटें जीती थी, इस बार तो 43 आपका फिगर दिख रहा है रुझानों में, 36 इंडिया गठबंधन। देखिए बिल्कुल मनोज जी, मैंने कहा ना कि राखी राखी जी से मेरे सवाल है, रावत जी राजस्थान के साथ साथ यूपी में भी बड़ा उलटफेर है रुझानों में। देखिए यूपी के लिए और राजस्थान के लिए इंटरप्रेट करने से पहले थोड़ा इंतजार करना चाहिए, अभी जो 2-3 राउंड की काउंटिंग हुई है उससे इस रिजल्ट पे निकलना, इस नतीजे पर निकलना कि मेरा सवाल हमारी तो पार्टी जो है वो पिछड़ रही है, मुझे लगता है ठीक नहीं है। 20 से 22 राउंड होंगे और आप देखिएगा राजस्थान में भी ऐसा ही होगा, विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि कई बार हम लोग पीछे चले कई जगहों पर, लेकिन आगे चलते चलते जैसे जैसे राउंड्स की काउंटिंग कंप्लीट हुई हम लोग जो है वो आगे बढ़ गए। लेकिन एक बात तय है, ये जो इस बिल्कुल, और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है हैदराबाद लोकसभा सीट पर, बहुत बड़ी अपडेट हुई है, AIMIM के प्रत्याशी असदुद्दीन ओवैसी पीछे चले गए हैं इस वक्त की बहुत बिल्कुल और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है हैदराबाद लोकसभा सीट पर, बहुत बड़ी अपडेट हुई है, AIMIM के प्रत्याशी असदुद्दीन ओवैसी पीछे चले गए हैं इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ है माधवी लता, बीजेपी के प्रत्याशी जो पहली बार फाइट में आई और जबरदस्त यहां पर मुकाबला दे रही है असदुद्दीन ओवैसी से, आगे चल रही है हैदराबाद लोकसभा सीट, दिलचस्प यहां पर मुकाबला। इसके साथ साथ आपको याद होगा माधवी लता जब वहां पर पहुंची थी, वोटिंग चल रही थी, तो उन्होंने कहा था कि जो बुर्का है वो हटाना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि कहीं यहाँ पर कुछ घपलेबाजी तो नहीं हो रही है। माधवी लता आगे चल रही है, अपने आप में दिलचस्प मुकाबला, साउथ की तस्वीर देख लेते हैं। 17 सीटें हैं तेलंगाना की, वहां पर 17 के 17 के रुझान हमारे पास आ गए, कांग्रेस 8 सीटों पर आगे चल रही है तेलंगाना में और 1 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, वहीं AIMIM के प्रत्याशी जो असदुद्दीन ओवैसी है वो पीछे हो गए। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है हैदराबाद से, और राखी राठौर जी यहाँ पर जो ये जो लगातार टैली बदल रही है, तमिलनाडु में भी आप लोग को उम्मीद थी साउथ से बहुत ज्यादा गेन करेंगे, लेकिन वो तस्वीर दिख नहीं रही है, रिफ्लेक्शन रुझानों में नहीं है। देखिए अभी मैंने फिर वही बात रिपीट करूंगी कि 2-3 राउंड्स का भी हुआ है काउंटिंग, उसके बाद देखिएगा ना केवल तमिलनाडु में, केरला में हम लोग बेटर करेंगे, तेलंगाना में जो हमारी 4 सीट्स थी पिछली बार उससे बेहतर परफॉर्मेंस, 19% हमारा वोट शेयर था पिछली बार, उससे बेटर वोट परसेंटेज और उससे ज्यादा सीटें इस बार तेलंगाना के अंदर आपको नजर आएगी। और आप देख लीजिएगा कि साउथ के अंदर भी अगर सबसे बड़ी सिंगल पार्टी उभर कर कोई आएगी तो वो हमारी भारतीय जनता पार्टी होगी, क्योंकि वहां के लोगों ने जिस तरह से माधवी लता को क्योंकि वो आगे चल रही है, असदुद्दीन ओवैसी एक बहुत बड़ा चेहरा राजनीति का, आप देखिएगा जी उनको पीछे कर दिया है, उनको पीछे कर दिया माधवी लता पर, वो भारतीय जनता पार्टी होगी जी। राखी जी अगर ऑडियो मिल रहा हो माधवी लता पर टिप्पणी कर दीजिए, ये प्रत्याशित है वो आगे चल रही है, बहुत बड़ा राजनीति का चेहरा असदुद्दीन ओवैसी, उनको पीछे कर दिया। देखिए एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है वहां की जनता ने ये कहते हुए कि जातवाद से धर्म के नाम पर वोट नहीं पड़ेगा, अब जिस तरह से जो पुराने हथियार हुआ करते थे चाहे वो परिवारवाद हो, तुष्टीकरण हो, जातिवादी हो, इन चीजों को छोड़ करके अब सिर्फ विकास की बात की, एक नया वर्ग बनाए जो लाभार्थी वर्ग है। और मुझे लगता है कि हैदराबाद के अंदर भी ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होगा, क्योंकि वहां पर जो
समुदाय था, किस तरह से किस धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन माधवी लता जी का आगे होना निश्चित तौर पे ये दिखाता है कि एक लाभार्थी वर्ग है, एक ऐसा वर्ग है जो सिर्फ देश में विकास चाहता है, उसे धर्म से मतलब नहीं है, उसे जाति से मतलब नहीं है। और मुझे लगता है कि एक विकसित भारत के लिए जो अवधारणा होनी चाहिए हमारे देश में, जो सोच होनी चाहिए लोगों की, उसी राह में हमारा देश जा रहा है। बिल्कुल अरुण जी, आपका क्या मानना है, मुस्कुराहट अंतिम तक कायम रह पाएगी?